और आइए अब एक नजर डालते हैं टॉप 25 पर। नोटबंदी पर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद परिसर में 200 सांसदों ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। नोटबंदी पर सरकार की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्ष लगातार मोदी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी सिलसिले में यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट ने सांसदों की बैठक के बाद संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 12 राजनीतिक पार्टियों के करीब 200 सांसद शामिल हुए। कई विरोधी पार्टियों का संगठन है यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट। प्रदर्शन में 12 पार्टियों के 200 सांसद हुए शामिल। बीएसपी के 7, सपा के 24, कांग्रेस के 95 सांसदों ने किया प्रदर्शन। एनसीपी के 10, टीएमसी के 45, आरजेडी के 6, जेडीयू के 18 सांसदों का प्रदर्शन। वाईएसआर के 12, जेएमएम के 2, डीएमके के 4, सीपीएम के 20 सांसद प्रदर्शन में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले पर निशाना साधा है और पीएम से जवाब की मांग की है। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को नहीं मालूम था। ये डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जो है इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पार्लियामेंट है यहां उनको आना चाहिए, जो डिबेट होगी पूरी डिबेट उनको बैठना चाहिए। इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नोटबंदी के बहाने पीएम पर निशाना साधा है और कहा है कि राष्ट्रपति को पीएम को तलब कर जवाब मांगना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा डर क्यों है? यदि उन्होंने अच्छा काम किया, नेक काम किया है, जनहित में काम किया है, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए काम किया है, तो प्रधानमंत्री जी घबरा क्यों रहे हैं? इसका मतलब दाल में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत कुछ काला है। मीडिया के माध्यम से तो महामहिम राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करती हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी को सम्मन करें, उनको बुलाएं और उनको बुलाकर उनको ये कहें कि ये जो आपके फैसले से जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं तो उनको वो दूर करें, उनको कुछ समय दें। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने विपक्षी प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। हमको पता नहीं चलता है, जनता दल यू के लोग यहाँ क्या कहते हैं कि विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार वहाँ सपोर्ट क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इसका विरोध का कोई औचित्य नहीं है। प्रॉब्लम है, समस्या है, सरकार उसको निदान के लिए हर संभव क्या कहते हैं प्रयास कर रही है। हम लोग तो सोशलिस्ट मूवमेंट से रहे हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट में तो हम लोग नारा लगाते थे कि 100 से कम ने 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विरोधियों के प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चर्चा सदन में होनी चाहिए। जब सदन चल रहा है और सदन के लिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है तो सदन के भीतर चर्चा हो तो बेहतर है, बजाय इसके के सड़क पर हो। नोटबंदी का आज 15 दिन है, लोग आज भी एटीएम और बैंकों के बाहर कतार में लगे हुए हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। नाबार्ड किसानों को फंड देगी सरकार। जिला सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ई वॉलेट से स्विचिंग चार्ज हटाए गए। 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड पर नहीं लगेगा चार्ज। रुपए कार्ड पर स्विचिंग चार्ज खत्म किया गया। रेलवे के ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। पेटीएम जैसे ई वॉलेट में 20,000 तक जमा होगा। सभी सरकारी भुगतान डिजिटल होंगे। वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने नोटबंदी में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे बैंक और रेलवे ई पेमेंट पर सर्विस टैक्स हटाने को राजी हुए। द फार्मर्स गेट द क्रेडिट एंड ऑल्सो दे गेट सर्टन क्वांटम ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ कैश बाय वे ऑफ कैश बिकॉज देर आर सर्टन कैश रिक्वायरमेंट्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एटसेट्रा। नबार्ड
and the Reserve Bank of India have been advised to make the required cash available to the district central cooperative banks. We have been talking to the private sector banks and some of the service providers who provide the switching services. They have agreed to waive the charges, the service charges on the use of debit cards up to 31st December 2016. Next point is with regard to the use of e-wallets, that is what they call prepaid payment instruments, PPIs, or more popularly known as e-wallets. Already the Reserve Bank has announced certain relaxations yesterday, enhancing the limit from 10 to 20,000 in respect to individuals. Now, the railways have also decided and have announced already yesterday that up to 31st of December, the service charges on online booking of e-tickets will be completely waived. सरकार ने शादी वाले घरों को थोड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक के पहले की शर्तों के मामले में थोड़ी ढील दी गई है. शादी वाले घरों को बैंकों से 2.5 लाख रुपए निकालने के नियम में सरकार ने अब एक नई राहत दी है. अब 10,000 रुपए से ज्यादा का जिन्हें पेमेंट करना है उन्हीं से जुड़ा हलफनामा देना होगा. जबकि इससे पहले नियम था कि जिन लोगों को पेमेंट देना है उनके बारे में बताना होगा कि इनका बैंक अकाउंट नहीं है. 2.5 लाख तभी मिलेंगे जब रकम अकाउंट में 8 नवंबर से पहले जमा हो. 8 नवंबर के बाद जमा पैसे शादी के नाम पर नहीं मिलेंगे. 30 दिसंबर या उससे पहले शादी हो तभी मिलेंगे पैसे. शादी वाले परिवार का एक ही सदस्य 2.5 लाख निकाल सकता है. दूल्हे का परिवार और दुल्हन का परिवार अलग अलग 2.5 लाख निकाल सकता है. ये लिखकर देना होगा कि जिनको पैसे दे रहे हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है. हलवाई वाले, टेंट वाले, बैंड वाले से पक्की रसीद लेनी होगी. शादी के कार्ड का सबूत देना होगा. एडवांस पेमेंट की रसीद देनी होगी. नोटबंदी के बीच राहत भरी खबर आई है. अब बिग बाजार से भी कार्ड स्वाइप कर 2,000 रुपए कैश लिए जा सकते हैं. नोटबंदी की वजह से कैश की किल्लत से परेशान लोगों को सरकार ने राहत भरी खबर दी है. देश के सबसे बड़े रिटेल स्टोर बिग बाजार में डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपए निकाले जा सकते हैं. देश के सभी छोटे बड़े शहरों के बिग बाजार में ये सुविधा मिलेगी. बिग बाजार की देश भर में 200 से ज्यादा स्टोर हैं. डेबिट कार्ड के जरिए बिग बाजार के स्टोर से मिलेंगे 2,000 रुपए कैश. देश भर में बिग बाजार के हैं 200 से ज्यादा स्टोर. अब तक करीब 85,000 ATM को किया गया है अपग्रेड. पेट्रोल पंपों पर भी है डेबिट कार्ड के जरिए कैश लेने की सुविधा. सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की याचिकाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और वहीं सरकार ने कहा है कि हालात अब सुधर रहे हैं. नोटबंदी को लेकर देश भर की अदालतों में दाखिल की जा रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार की ओर से दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजा है. इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अलग अलग हाई कोर्ट में आ रही याचिकाओं को एक ही हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अलग अलग याचिकाओं में मुद्दे अलग अलग हैं, लिहाजा इस पर रोक नहीं लगा सकते. वहीं सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, बैंकों में लाइनें छोटी हो रही हैं. नए नोट की कमी नहीं है, बैंकों और ATM तक नोट पहुंचाने में आ रही है दिक्कत. अटॉर्नी जनरल ने कहा बैंकों में अभी तक 6 लाख करोड़ जमा हुए. सरकार को बैंकों में 15 लाख करोड़ और जमा होने की उम्मीद. लोगों ने 70 साल से पैसा जमा कर रखा है, इसीलिए बैंकों में जमा होने में वक्त लगेगा. नोटबंदी में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के खिलाफ भी विरोध शुरू हो गया है. बैंक एसोसिएशन ने उर्जित पटेल के इस्तीफे की मांग की है. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक के गवर्नर अर्जित पटेल के इस्तीफे की मांग की है. यूनियन का कहना है कि नोटबंदी के बाद से जो गड़बड़ियां पैदा हुई उसके लिए अर्जित पटेल को इस्तीफा देना चाहिए. एसोसिएशन ने कहा कि इन दिनों बैंक कर्मचारी काफी तनाव में काम कर रहे हैं. एसोसिएशन का कहना है कि बैंक अधिकारियों समेत तमाम लोगों की मौतों की नैतिक जिम्मेदारी RBI गवर्नर को लेते हुए उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.
6 दिसंबर 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने थे उर्जित पटेल। 8 नवंबर को पीएम ने किया था 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान। उर्जित पटेल पर बिना तैयारियों के फैसला लागू करवाने का आरोप। नोटबंदी के बाद से देश भर में हो चुकी है 11 बैंक अधिकारियों की मौत। 2000 के नए नोट पर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। 2000 के नए नोट पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ में याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि किस अधिकार के तहत 2000 के नोट पर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि देवनागरी लिपि अनुच्छेद 343(1) के विपरीत है, इसलिए इसे अमान्य घोषित कर देना चाहिए। कोर्ट ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से जवाब तलब किया है। राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों में अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म का ही प्रयोग हो सकता है। राजभाषा अधिनियम 1965 के तहत देवनागरी अंक के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं। याचिकाकर्ता ने कहा, राष्ट्रपति ने भी नहीं दी है देवनागरी के इस्तेमाल की इजाजत। 1963 के अधिनियम के मुताबिक देवनागरी के उपयोग का नहीं है प्रावधान। स्विट्जरलैंड के बैंकों में अब देश का काला धन छिपाना आसान नहीं होगा। स्विट्जरलैंड और भारत के बीच सूचना आदान प्रदान करने को लेकर सहमति बनी। विदेश में छुपाए काले धन के खिलाफ भारत सरकार के अभियान को और ताकत मिलती दिख रही है। दरअसल एक बड़े घटनाक्रम के तहत स्विट्जरलैंड ने अपने यहाँ भारतीयों के बैंक खातों के बारे में सितंबर 2018 से सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था पर सहमति जताई। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच इस व्यवस्था के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में सितंबर से पहले की अवधि संबंधी सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान का प्रावधान नहीं है। स्विट्जरलैंड भारतीय बैंक खातों की जांच देने पर हुआ राजी। सितंबर 2018 से होगा सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं के आदान प्रदान संबंधी द्विपक्षीय संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। भारत ने आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने का वादा किया। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के तार पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़े हुए हैं। लोकसभा में सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया है। कश्मीर के अलगाववादी संगठनों का पाकिस्तान से सीधा संबंध है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी तत्वों से उन्हें सीधा फंड भी मिलता है। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में ये जानकारी दी गई। सदन में सरकार ने कहा कि सीमा पार और पीओके के आतंकी नेताओं में सीधा संपर्क है और उन लोगों को घाटी में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से निर्देश और फंड भी मिलते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों से है अलगाववादियों का सीधा संबंध। घाटी में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान से मिलते हैं फंड और निर्देश। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी तत्वों अलगाववादियों के बीच संबंध के सबूत मिले। देश में बिक रहे कोल्ड ड्रिंक्स में जहरीले तत्व मिले हैं। मंगलवार को राज्यसभा में सरकार ने इसकी जानकारी दी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। देश में बिकने वाली पेप्सी, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट और सेवन अप जैसी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियां सवालों के घेरे में हैं। इनके सैंपल में भारी मेटल, सीसा, कैडमियम, क्रोमियम पाए गए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी। कोलकाता में कराई गई थी 5 कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल की जांच। रिपोर्ट में 5 कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल में पाए गए थे जहरीले पदार्थ। अप्रैल में नेशनल टेस्ट हाउस को कोल्ड ड्रिंक्स, जूस की जांच करने को कहा गया था। सरकार के निर्देश के बाद ही लिए गए थे 5 कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल। कानपुर रेल हादसे की जांच शुरू हो गई है और इस मामले में इंदौर पटना एक्सप्रेस के ड्राइवर से पूछताछ की गई। रेलवे की कमेटी ने कानपुर रेल हादसे की जांच शुरू कर दी है। रेलवे की जांच कमेटी ने इस मामले में ट्रेन के ड्राइवर से पूछताछ भी की है। इसी बीच रेल हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों की माने तो हादसे की रात इंदौर पटना एक्सप्रेस में एक एक्स्ट्रा कोच जोड़ा गया था, यानी ट्रेन में कुल डिब्बों की संख्या क्षमता से ज्यादा थी।
ट्रेन में 22 की जगह 23 कोच लगे हुए थे। उस रात ट्रेन में B3 कोच को S1 कोच के पास लगाया गया था और इन दोनों ही डिब्बों से तेज आवाजें आ रही थी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसे की रात इंदौर पटना एक्सप्रेस में एक कोच एक्स्ट्रा जोड़ा गया था। ट्रेन में कुल कोचों की संख्या 23 थी जो कि क्षमता से ज्यादा है। इंदौर पटना एक्सप्रेस में B3 कोच को S1 कोच के पास जोड़ा गया था। दोनों डिब्बों से तेज आवाजें आ रही थी, यात्रियों को झटके लग रहे थे। हादसे में B3 और S1 कोच में हुई सबसे ज्यादा मौतें। पुराया रेल हादसे पर रेलवे का लापरवाही भरा रवैया उजागर हुआ है। खबर है कि 4 साल पहले की ट्रेन की पुरानी बोगियों को बदलने की सिफारिश की गई थी। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेलवे की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। पुखराया में जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी उसमें पुराने और आउटडेटेड कोच लगे हुए थे। हादसे में बड़ी तादाद में लोगों की मौत और नुकसान के लिए इसे ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। 2012 में सेफ्टी मामलों पर बनी कमेटी ने ऐसे डिब्बों को बाहर किए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन 4 साल बाद भी ये पुराने डिब्बे बाहर नहीं किए जा सके। इस कमेटी के 106 सुझावों में से रेलवे ने 19 सुझावों को खारिज कर दिया था और 68 सुझाव मंजूर किए थे। पुरानी तकनीक के डिब्बों को बदलकर LHB डिब्बे लगाने की सिफारिश की थी। 2017 तक सभी मानव रहित क्रॉसिंग खत्म किए जाने की सिफारिश की थी। सेफ्टी मेंटेनेंस के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का था सुझाव। एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम के लिए 20,000 करोड़ रुपए का दिया था सुझाव। रेलवे के ट्रंक रूट के 19,000 किलोमीटर लंबे रूट पर लगाए जाने थे सिस्टम। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी भारत लौट आया है। अब प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए मोइन कुरैशी को नोटिस भेजेगा। विवादों में रहा मीट कारोबारी मोइन कुरैशी भारत लौट आया है। कुरैशी के भारत लौटते ही प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की बात कह रहा है। मोइन कुरैशी 15 अक्टूबर को दिल्ली से दुबई गया था। कुरैशी के भारत छोड़ने की खबरों ने खुफिया एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। ईडी की माने तो मोइन कुरैशी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कोर्ट का पुराना आदेश दिखाकर दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुआ था। दिल्ली का मीट कारोबारी है मोइन कुरैशी। हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप। मोइन कुरैशी के खिलाफ ईडी ने जारी किया था लुकआउट नोटिस। मोइन कुरैशी के खिलाफ पिछले साल दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। टैक्स चोरी और हवाला कारोबार में शामिल होने के मामले में जारी है जांच। जम्मू कश्मीर के माछिल में पाक की तरफ से हुई गोलीबारी में भारत के 3 जवान शहीद हो गए। हालांकि भारतीय सेना भी पाक को करारा जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया है। सीमा पार से हुई फायरिंग में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस बार भी पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा पर भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता की। एक जवान का शव काफी बुरी हालत में मिला है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद सेना का जवाब सामने आया है। सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान की हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। 28 अक्टूबर को भारतीय जवान के शव के साथ की गई थी बर्बरता। पाकिस्तानी सैनिकों ने शहीद मानदीप सिंह के शव को किया था शत विक्षत। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने छिप कर किया हमला। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से LOC पर जारी है पाकिस्तान की काराना हरकत। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है जो कि पीलीभीत से है। आपको बता दें कि पीलीभीत में एक टाइगर ने घर पर कब्जा किया हुआ है। घर में टाइगर है और घर वाले बाहर हैं। सुबह 7 बजे से घर के अंदर बैठा है ये टाइगर और घंटों की मशक्कत के बाद भी टाइगर पकड़ में नहीं आ पा रहा है। वन विभाग के और गुस्साए ग्रामीणों ने SDM और वन विभाग पर पथराव तक कर दिया है। टाइगर रिजर्व से सटे मलपुर खजूरिया इलाके का ये पूरा मामला है। आप देखिए कि कितनी आराम से ये टाइगर जो है एक घर के अंदर बैठा हुआ है। पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने आराम के साथ ये टाइगर जो है एक घर के अंदर अपना डेरा जमाए हुए है। सुबह 7 बजे से घर के अंदर बैठा हुआ है ये टाइगर। पीलीभीत में एक टाइगर ने घर पर कब्जा कर लिया है। घर के अंदर टाइगर मौजूद है और बड़ी आराम से बैठा हुआ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। और घर वाले जो है वो बाहर रहने को मजबूर है। सुबह 7 बजे से घर के अंदर बैठा है ये टाइगर। घंटों की मशक्कत की गई इस टाइगर को बाहर निकालने की, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी टाइगर पकड़ में नहीं आ पा रहा है वन विभाग के। और इसी से गुस्साए ग्रामीणों ने SDM और वन विभाग पर पथराव तक कर दिया। टाइगर रिजर्व से सटे मलपुर खजुरिया इलाके का ये पूरा मामला है। आप देखिए कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से ये टाइगर इसी घर में घुसा हुआ है और घर के लोग जो है वो बाहर है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।